आज उस पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जब लैंडर विक्रम को कमांड मिलेगी और वो चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। इस मिशन की कामयाबी के लिए आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल धड़क रहे हैं। पूरे देश में मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है और मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज इसकी ओर देख रहा है कि आखिरकार भारत इसमें सफलता पाता है या नहीं। भारती का अभियान, भारत माता की जय। हवन में ये आहुति अमेरिका के वर्जीनिया में डाली जा रही है। मंत्रोच्चार हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है। मन में एक ही कामना है और वो है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। ये कामना चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहे विक्रम लैंडर के कमांड सेंटर से लेकर दूर अमेरिका तक हो रही है। पूरी दुनिया की मीडिया चंद्रयान की हर गतिविधि को बारीकी से देख रही है। मंदिरों में एक दिन पहले से ही प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मस्जिद में विशेष नमाज अदा कर कामयाबी की दुआ मांगी जा रही है। ये ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्डियन के हेडलाइन है जो लिख रहा है कि भारत के मून मिशन से सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। अगली तस्वीर नासा की वेबसाइट पर न्यूज की है जिसमें लिखा है कि कैसे इस बार सेफ लैंडिंग की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। अगली तस्वीर में खबर है कि कैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी चंद्रयान 3 को ग्राउंड सपोर्ट दे रही है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि रूस के लूना की क्रैश लैंडिंग के बाद भारत से उम्मीदें बढ़ गई हैं। दुनिया की साइंस मैगजीन्स पर इस वक्त चंद्रयान 3 ही छाया है। भारत की बेटी और जानी मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने इसरो के लिए एक मैसेज के जरिए कहा है, चंद्रमा पर उतरने से हमें बहुमूल्य जानकारियां मिलेंगी। मैं वास्तव में रोमांचित हूं कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और चंद्रमा पर टिकाऊ जीवन की खोज में सबसे आगे है। ये सचमुच रोमांचक समय है। ये प्रयास चंद्रमा की संरचना और इतिहास की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अंतरिक्ष में लंबा वक्त बिता चुकी सुनीता विलियम्स का रोमांचित होना बता रहा है कि इसरो के इस मिशन के लिए कितनी दुआएं हो रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर बेंगलुरु के कमांड सेंटर के साथ साथ दुनिया भर की स्पेस एजेंसी कैसे इसमें साथ दे रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के दो ग्राउंड स्टेशन के जरिए सैटेलाइट से मिलने वाले संदेशों को इसरो के बेंगलुरु सेंटर में रिले किया जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्टेशन फ्रेंच गुयाना के कोरू में है। यहाँ पर 15 मीटर का एंटीना लगा है, इसके जरिए चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग की जा रही है। जबकि दूसरा गोनहिली अर्थ स्टेशन यूनाइटेड किंगडम में है, यहाँ पर 32 मीटर का एंटीना लगा है। यहाँ से भी चंद्रयान के सिग्नल्स को बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है। ये दोनों स्टेशन लगातार चंद्रयान 3 मिशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आज लैंडिंग के वक्त भी इसरो के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के न्यू नॉरिका में यूरोपीय स्पेस एजेंसी का तीसरा ग्राउंड स्टेशन उस वक्त लैंडर विक्रम से बात कर रहा होगा जब वो चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में चला जाएगा। ये सारी गतिविधियां एक दूसरे की मदद भविष्य के बड़े मिशन को लेकर है। ये ग्लोबल स्केल पे काम होता है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसरो करेगा या सिर्फ नासा करेगा, ग्लोबल स्केल पे काम हो रहा है जिसके अंदर ये प्लानिंग है कि चांद के चारों तरफ जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे एक मून स्टेशन बनेगा। चांद के चारों तरफ वो घूमता रहेगा, उसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। अगर उन्हें आगे की जर्नी करनी है आप चांद पे जाइए, लिफ्ट ऑफ होगा, एक बेस कैंप बना हुआ है, इंटरप्लेनेटरी मिशन हुए, आप मंगल पे पहुंच गए, कोई रिसर्च वगैरह हुई, आप वापस आ गए। नासा के तो 3-3 ग्राउंड स्टेशन इस डीप मिशन को ट्रैक कर रहे हैं जिनमें से 2 स्टेशन कैनबरा जबकि 1 स्टेशन मैड्रिड में है। ये तीनों डीप स्पेस स्टेशन विक्रम लैंडर को ऑर्बिट से लेकर चांद पर लैंडिंग तक तो ट्रैक कर ही रहे हैं, उसके बाद भी इसरो को जानकारियां देते रहेंगे। आज पूरी दुनिया इसरो के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि कमांड सेंटर में बैठे इन वैज्ञानिकों ने अपना दमखम दिखाया है और आज सफल लैंडिंग के बाद अंतरिक्ष में भारत की उड़ान की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।